बच्चों, आज हम सीखेंगे लिंग के बारे में, जिससे किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। इसमें केवल कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि पशु, पक्षी, वस्तुएं भी सम्मिलित होती हैं। जैसे पिताजी आज बाहर गए हैं, पेड़ हवा से गिर गया है, माँ कपड़े धो रही है, तुम्हारी घड़ी कहाँ है, दादी रामायण पढ़ रही हैं, भैया काम पर गए हैं। इन सभी वाक्यों से पिताजी, पेड़, भैया शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है और दादी, घड़ी, माँ शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे पिताजी, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर। उदाहरण, पर्वत बहुत ऊंचा है, सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है, जहाज डूब गया है, ये डब्बा मेज पर रख दो। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे लकड़ी, बकरी, माता, रानी, जू आदि। उदाहरण, उसकी तो खटिया खड़ी हो गई, किताब बहुत पुरानी है, धूप निकल गई है, यह सीता की बंदूक है। हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द आसानी से बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाना, लड़का, लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथनी, सुंदर, सुंदरी। अब हम स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द बनाएंगे, चूहिया, चूहा, सुनारिन, सुनार, मालिन, माली, बेटी, बेटा, मालकिन, मालिक, सेठानी, सेठ, इंद्राणी, इंद्र, नौकरानी, नौकर।